दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया में युद्ध का एक तीसरा फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इसराइल पर 48 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। इसराइल ईरान युद्ध की आशंका के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है और तमाम इंडियंस को ईरान और इसराइल न जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान में मौजूद भारतीयों को भारत के दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कह दिया है और सावधानी बरतने के साथ साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम मूवमेंट करने के लिए कहा है। भारत के अलावा ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को तुरंत इसराइल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को इसराइल और ईरान और लेबनान से दूर रहने के लिए कह दिया है। अमेरिका ने भी इसराइल में अपने दूतावास के जो कर्मचारी हैं उनको अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को सीधा चैलेंज किया और वार्न किया है कि वो इसराइल पर हमला करने की सोचे भी ना। दूसरी तरफ कुवैत और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका उनकी मिलिट्री बेस ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है उस बेस को। ईरान और इसराइल युद्ध का खतरा इसलिए भी है क्योंकि सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल को अपने काउंसिलेट पर हुए हमले के बाद ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि वो इसके लिए इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा ही देगा, लेकिन वो ऐसा कब और कैसे करेगा ये वो अपने हिसाब से तय करेगा। इसके अलावा इसराइल ने भी कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो जवाबी प्रतिक्रिया जरूर होगी। यानी कुल मिलाकर जो सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है उससे ये आशंका बढ़ गई है कि दुनिया में जल्द युद्ध का एक और फ्रंट खुलने जा रहा है। अभी रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है, मत भूलिएगा। इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और अब ईरान और इसराइल में युद्ध शुरू हुआ तो विश्व युद्ध की एक और चिंगारी भड़कने का खतरा है, समझ लीजिए। क्योंकि अमेरिका इस जंग में खुले तौर पर ईरान के खिलाफ उतर सकता है। ये बात इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि इसी साल फरवरी के महीने में रूस चीन ईरान के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास कर चुके हैं। तो ईरान की धमकी पर इसराइल का जवाब, इसराइल की सेना ने क्या कहा वो भी जान लीजिए, वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे दोस्त भी ईरान को जवाब देंगे। इसराइल अमेरिका के साथ हालात पर चर्चा कर रहा, हमले और बचाव के लिए हम तैयार है, ये इसराइल की तरफ से किया गया। ईरान की धमकी पर इसराइल की तरफ से ये जवाब आया है, साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन समझ लीजिए कि ये जो दो अलग अलग वॉर फ्रंट पहले खुले हुए थे अब तीसरा भी खुल जाएगा और ऐसे में विश्व युद्ध की आहट और तेज हो जाती है। अब बात